Thank you very much for such kind introduction, Hasan bhai. You had always been great. Bachon se, I'm fortunate to talk to all the kids or upcoming entrepreneurs. And I have selected this topic, khas taur pe is stage ke entrepreneurs ke liye jinhone apne ventures aage jaake build karne hain aur apne bade bade brands jo hain wo banane hain. So I thought ki mujhe essentials of brand building ke bare mein baat karni chahiye, because iske bare mein brand building ke bare mein bahut sare misconceptions bhi exist karte hain aur bahut sare log jo hain Pakistan mein khas taur pe bahut achi achi products ke upar kaam to karte hain, lekin unfortunately usko acche tarike se apne brands ko build nahi kar pate. So agar day one se जो हाई स्कूल के बच्चे हैं और जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर डे वन से आपको ब्रांड बिल्डिंग की थोड़ी सी तफसील पता चल जाएगी या उसके बहुत बेसिक से पैरामीटर्स पता चल जाएंगे, तो आप लोग इन सारी चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे अपनी आने वाली लाइफ के अंदर और अपने प्रोफेशनल वेंचर बिल्डिंग के अंदर. सो मेरा नाम शानी है, जैसे हसन भाई ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराया. शाहनवाज चुगताई इज़ माय फुल नेम, बट कॉमनली नोन एज शानी और गुड शानी. आई एम द सीईओ एंड चीफ कंसल्टेंट एट अ कंपनी गुड शानी प्राइवेट लिमिटेड, एंड देन बीटेक डिजिटल इज माय कंपनी इन यूएसए, एंड देन वी ओन अ अदर प्रोजेक्ट gsproductions.pk. We have been working as serial entrepreneurs or multiple projects ke upar jo hai wo hum kaam karte hain, multiple ventures build karte hain. And recently we have founded and we are working as dean at this institute jiska Hasan bhai ne bhi taaruf karaya. This is named as Propel. You can visit propel.pk. और इस इंस्टीट्यूट के ऊपर हम एक्चुअली तो पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, बट अब जो है वो बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी वी आर एबल टू लॉन्च इट इंशाल्लाह ताला बाय 14th ऑफ अगस्त. सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक. कुछ मैं आप लोगों से अपना काम शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे आपको अंदाज़ा हो कि ब्रांड्स जो हैं वो किस तरह के ब्रांड्स दिखते हैं, हमारा पोर्टफोलियो क्या है, और जो मैं बात आज करूंगा आप लोगों से उस बात में क्या प्रैक्टिकली कोई दमखम है या सिर्फ वो कोई बाहर की किताबों से निकाली हुई थ्योरी है. सो मैं जो आज आपसे ब्रांड बिल्डिंग के एसेंशियल्स के ऊपर बात करूँगा, इसमें बहुत कम किताबी बातें हैं. ऑफकोर्स मैंने तो बहुत रिसर्च की है और बहुत ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन मैं आज उन सारी चीज़ों का निचोड़ आपके साथ जो है वो आपके सामने रखूँगा, ताकि आप लोगों को वो जो 16 साल का हमारा जर्नी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे में उसमें से कुछ हिस्सा समझने की पॉसिबिलिटी आपके लिए क्रिएट हो सके. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ साइंस, देर इज़ अ लॉट ऑफ आर्ट इन्वॉल्व इन ब्रांड बिल्डिंग. इसके अंदर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर साइंस भी है और उतनी ही ज़्यादा आर्ट और क्रिएटिविटी भी है, लेकिन जनरली इसको थोड़ा सा मिसकंसीव किया जाता है. और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत अरसा तक जो है बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ये समझ रही हैं कि ये जो साइंस है ये पाकिस्तान में नहीं चलती और ये तो बाहर की साइंस है, वहाँ पर ही चलती है. तो हमने क्या किया, हमने एज अ ब्रांड एजेंसी पिछले 16 सालों में बहुत सारे पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स को कंसल्ट किया, डाटा कलेक्ट किया, उनके रिजल्ट्स को मेजर किया, और आज हमारे पास वो सारी केस स्टडीज़ मौजूद हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम ये दावा करते हैं कि यार ये सारी ब्रांड बिल्डिंग की साइंस जो है ये पाकिस्तान के अंदर भी उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी दुनिया के किसी भी बिजनेस के अंदर है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सना सफिनाज ब्रांड को कंसल्ट किया 2005 से लेकर 2016 तक, 11 साल हमने ब्रांड को बिल्ड किया, जब वो टू डिज़ाइनर टू पर्सन ब्रांड से लेके एक मल्टीपल चेन मल्टीपल स्टोर चेन के अंदर वो उसको हमने कन्वर्ट किया थ्रू ब्रांड बिल्डिंग. सो ब्रांड बिल्डिंग कैसे किया इसके ऊपर हम अभी तफसील से बात करेंगे. देन वी कंसल्टेड खाड़ी फॉर 2 ईयर्स फॉर डिवेलपमेंट ऑफ देयर क्रिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांड बिल्डिंग का विजुअल साइड उनकी क्या कैसी हो सकती है. एंड देन खाड़ी ने उस साल के अंदर अपने पाकिस्तान रिटेल की हाईएस्ट एवर सेल की. सो ये मैं आपके साथ साथ थोड़ा सा जो है ना रिटर्न ऑन एफर्ट्स भी आपको साथ साथ बताऊंगा, ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरह से ये इसका रिजल्ट क्या आया.
देन आउटफिटर्स के साथ हम बहुत सालों से, जब से आउटफिटर स्टार्ट हुआ उस टाइम से हम आउटफिटर के साथ काम कर रहे हैं। निशात लेनन को हमने 2 दफा कंसल्ट किया, 2011 से 2013 और फिर 2016 से लेके 2019 के एंड तक। और ब्रांड बिल्डिंग की एक्टिविटीज के नतीजे में ब्रांड जो है 2x टॉप लाइन ग्रो किया। देन उनकी ई कॉमर्स जो है वो 7.4x ग्रो की। रिटेंशन रेट 23% से बढ़ के 54% हो गई, या 54% हो गई। एंड देन इसी तरह से उनका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसके अंदर 110% 110% जो है इंक्रीज आया। इसी तरह से दिस इज अनदर वेंचर, ये हमारी अपनी कंपनी है gsproductions.pk। सो ये सारी कंपनी जो है इस सब प्रोडक्शन हाउस, और इसने जो आप टीवी कमर्शियल्स देखते हैं या फोटोशूट्स देखते हैं या एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स देखते हैं, हर कैंपेन के पीछे आप लोगों को शायद थोड़ा सा अंदाजा हो कि बहुत सारी एफर्ट और बहुत सारा टीडीएस जो है वो काम जो है वो इन्वॉल्व होता है। हमने उस सारी बड़ी प्रॉब्लम को एक ऑनलाइन पोर्टल बना के रिजॉल्व किया, और जस्ट इन 6 मंथ्स हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू पाकिस्तानी ई कॉमर्स के अंदर टॉप प्लेयर्स के अंदर काउंट होने लग गया। हमारा रिटेंशन रेट जो है वो 64% इंक्रीज कर गया। सो ये दिस इज अगेन पावर ऑफ ब्रांड बिल्डिंग, किस तरह से किया उसको भी अगर हम आगे जाके देखेंगे। इसी तरह से वी कंसल्टेड दिस इंटरनेशनल ब्रांड विला कॉटन के नाम से, villacotton.com। सो ये होम लिनन का प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट है, इनको हमने कंसल्ट किया, और इसकी थोड़ी सी केस स्टडी मैं आगे जाके आपसे शेयर करूंगा, और किस तरह से ये ब्रांड जो है ब्रांड बिल्डिंग की टेक्निक्स अडॉप्ट करके किस तरह से इनकी सेल हमने 300% इंक्रीज की, जो कि वो अपनी प्रोजेक्शन लेके चल रहे थे। यानी कि वो कह रहे थे कि हम 1 रुपए कमाएंगे, हमने जब ब्रांड बिल्डिंग की टेक्निक्स अप्लाई की, सो ऑल द एसेंशियल टेक्निक्स जो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे, तो उनकी सेल जो है वो 300% ग्रो हुई। फिर इसी तरह से दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रांड बिल्डिंग, ये कम अपकमिंग ब्रांड है, हमने इसके ऊपर सारा ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम किया है। सो लेट्स एक्सप्लोर कि ब्रांड बिल्डिंग है क्या। ब्रांड बिल्डिंग इज नॉट जस्ट अ गुड लुकिंग विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रांड। जो मैंने आपको अपनी बड़ी प्यारी सी एक प्रेजेंटेशन दिखाई है ना, सारे गुड लुकिंग ब्रांड्स जो आप एडवर्टाइजिंग के अंदर देखते हैं, वो गुड लुक और द विजुअल साइड इज ओनली वन पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्रांड बिल्डिंग, ये सिर्फ एक पहलू है। कॉमनली आपको शायद आप इंटरनेट पे भी सर्च करें तो आपको बहुत ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल्स जो है वो यही मिलेंगी कि ब्रांड बिल्डिंग जो है वो लोगो डिजाइन है, या वो शॉप डिजाइन है, या वो बिलबोर्ड डिजाइन है। सो एड वो ज्यादातर आपको जो कंटेंट मिलता है वो एडवर्टाइजिंग डिजाइन के बारे में मिलता है, या वो मार्केटिंग के बारे में मिलता है। लेकिन ब्रांड बिल्डिंग के बारे में जो उर्दू के अंदर खास तौर के ऊपर बहुत कम मवाद जो है वो मौजूद है। सो मैं आपसे जो भी शेयर करूंगा, हो सकता है आपको वो किताबों में ना मिले, लेकिन सब चीजें जो हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है, और सब कुछ किताबों से ही एक्सट्रैक्टेड है। उसके बाद हमारी लाइफ में हमारे इन ब्रांड्स के साथ प्रैक्टिस के अंदर टेस्टेड है। सो इन शॉर्ट, आज जो मैं आपसे सीक्रेट सॉस अपनी ब्रांड बिल्डिंग की शेयर कर रहा हूँ, ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान के अंदर लोकली सक्सेसफुली माशाल्लाह टेस्टेड है। सो अगेन, ब्रांड बिल्डिंग इज नॉट जस्ट अ विजुअल, गुड लुकिंग विजुअल, इट्स नॉट जस्ट अ लोगो डिजाइन। ये खाली ये नहीं है, ये भी ब्रांड बिल्डिंग का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। तो कॉमन परसेप्शन, अगर आपके जहनों में भी यही था कि अच्छा यार ब्रांड बिल्डिंग जो है वो ये होती है, सो उस परसेप्शन को अनलर्न कर दें आज। ब्रांड बिल्डिंग है क्या? मेरे नजरिए में ब्रांड बिल्डिंग इज डेवलपिंग अ यूनिक डिजायरेबल एक्सपीरियंस। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस डिजाइन है, इसके लिए अगर आप लोग यूएक्स डिजाइन या आप एक कस्टमर एक्सपीरियंस डिजाइन जैसी साइंस भी पढ़ें तो वो भी बहुत यूजफुल होती है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी ही आपको आती हो, या आपको फोटोशॉप ही आता हो, या आपको ऐसे सॉफ्टवेयर ही आते हो जिनके ऊपर आप डिजाइन कर सकते हैं। इसकी जो बुनियाद है वो असल में यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन है, वो चाहे फिजिकल प्रोडक्ट्स हो चाहे डिजिटल प्रोडक्ट्स हो। ये एक ऐसा यूजर एक्सपीरियंस जो कि डिजायरेबल हो और जो कि यूनिक हो। सो इट्स डेवलपिंग अ यूनिक डिजायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ अ बिजनेस दैट इज टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल बोथ एट द सेम टाइम।
ब्रांड बिल्डिंग या ब्रांड की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर खूबसूरती ये है कि इसके कुछ कंपोनेंट्स तो टेंजेबल हैं, यानी कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड एट एवरी टच पॉइंट ऑफ द कस्टमर जर्नी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि ब्रांड का जो एक्सपीरियंस है, जो यूनिक और डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, वो ब्रांड के हर टच पॉइंट के ऊपर जो है कस्टमर को फील होना चाहिए, चाहे वो टेंजिबल फीलिंग हो चाहे नॉन टेंजिबल फीलिंग हो। आई होप कि ये बात आप लोगों को थोड़ी सी समझ आ रही हो, लेकिन अगर नहीं भी समझ आ रही तो मैं इसकी आपको एक लोकल एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ ब्रांड्स, कुछ कंपनीज जिनसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं या जिनको आप खरीदते हैं, उनकी विजुअल जो है, उनकी जो एडवर्टाइजिंग है वो साइड बहुत स्ट्रांग होती है और एस्थेटिकली आपको बड़ा अपील करती है, उनका कॉन्टेंट भी आपके मुताबिक होता है। जब आप स्टोर पर जाते हैं या जब आप ऑनलाइन शॉप करने लगते हैं या जब आप वो ऐप डाउनलोड करते हैं, तो पता ये चलता है कि यार वो तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ है। सो इसका मतलब ये है कि एक इनकंसिस्टेंट एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हम बच्चे हैं तो बच्चों के रिगार्डिंग, हाँ ओके, बच्चों के रिगार्डिंग हम एग्जाम्पल लेते हैं आउटफिटर्स ब्रांड की, जो कपड़ों का जो ब्रांड है। सो अगर आप आउटफिटर को गौर से नोटिस करें या आउटफिटर अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आप देखेंगे कि विजुअल कम्युनिकेशन यानी कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी आपको एक सर्टन सॉर्ट ऑफ एस्थेटिक्स नजर आएंगे। जब आप स्टोर पे जाएंगे तो पूरा स्टोर आपको उन्हीं एस्थेटिक्स और उसी तरह का डिजायरेबल और यूनिक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसा कोई स्टोर नहीं आपको पाकिस्तान के अंदर मिलेगा। दैट मीन्स कि वो यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट किया है उन्होंने रिटेल शॉपिंग का। इसी तरह से डिजायरेबल क्या है कि आपको वो देख के, उनकी एडवर्टाइजिंग देख के, उनके स्टोर में जाके आपका दिल करता है कि यार आप ये प्रोडक्ट खरीदें। अच्छा, फिर स्टोर की मैंने बात की, मैंने उनकी एडवर्टाइजिंग की बात की, फिर प्रोडक्ट खुद भी, प्रोडक्ट भी ऐसी यूनिक और डिजायरेबल होती है कि आपका खरीदने को दिल करता है। तो अगर आप उनके कस्टमर सर्विस को फोन करें तो वहां से भी आपको ना नहीं मिलेगी, वो भी आपको प्रॉपर जवाब देंगे। तो जितने जो मैं बात कर रहा हूँ मुख्तलिफ टच पॉइंट्स की, तो सारे टच पॉइंट्स के ऊपर एक यूनिक और डिजायरेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करने का नाम ब्रांड बिल्डिंग है। सो कॉमन टच पॉइंट्स हैं क्या एक ब्रांड के? प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट से मुराद है कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है, स्टोर पे अवेलेबल है, ऐप पे अवेलेबल है, आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है या आपकी फिजिकल प्रोडक्ट है। सो प्लेसमेंट को आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि वो प्रोडक्ट बिकती कहाँ पे है और कैसे जो है लोगों की एक्सेस है, उसका एक्सेसिबिलिटी का चैनल क्या है, दैट इज प्लेसमेंट। सो फिर है प्रमोशन, यानी कि एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सब कुछ प्रमोशन में आ जाता है। फिर पीपल, पीपल जो कि उसके टारगेट ऑडियंस है, जो कि बायर हैं वो भी, और वो सारे के सारे लोग भी जो कि उस कंपनी के अंदर काम करते हैं, वो सारे के सारे लोग भी जो कि उसके सप्लायर हैं, वो सारे के सारे लोग भी जो कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो ऐसी कंपनीज जो कि आपको, आप अगर कंज्यूमर हैं, मिसाल के तौर पर मैं अगेन आउटफिटर्स की एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आप आउटफिटर का लिंक्डइन या आउटफिटर का एचआर या आप आउटफिटर के लोगों से बात करेंगे, तो आपको पता ही चलेगा वो भी सारे के सारे उसी तरह का एक यूनिक डिजायरेबल एक्सपीरियंस में से गुजर रहे हैं। उनको सारी के सारी, वो ये नहीं है कि वो कंज्यूमर जो कि इंसान है उसको कुछ दिखा रहे हैं और जो वर्कर जो कि इंसान है उसको कुछ दिखा रहे हैं या उसको वो डिफरेंट एक्सपीरियंस दे रहे हैं। सो मॉडर्न ब्रांड बिल्डिंग के अंदर पीपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट कि आपका बिजनेस जो है वो लोगों को हर तरह से एड्रेस करता हो, हर एक के लिए एक यूनिक और डिजायरेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करे। अब एम्प्लॉयज के लिए यूनिक और डिजायरेबल एक्सपीरियंस क्या है? एम्प्लॉयज के लिए डेफिनेटली ये है कि उनको एम्प्लॉय राइट्स मिले, उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, उनको ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट मिले जो कि किसी और कंपनी के पास ना हो। सो दिस इज अगेन यूनिक डिजायरेबल एक्सपीरियंस। सो ये भी ब्रांड का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर है, इसी तरह से आपके बाकी सारे के सारे लोग हैं जो कि आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है। फिर फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस हम ये इस चीज को कहते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग के थ्रू ऐसा डिजायरेबल एक्सपीरियंस जो हम यूनिक क्रिएट कर रहे हैं वो इतना यूनिक और इतना डिजायरेबल हो जाए कि उस कैटेगरी की पहचान आपके ब्रांड से बन जाए। मिसाल के तौर पे डालडा, आज आपके पेरेंट्स अगर आपको कहें कि यार घी लेकर आना है, तो घी का लफ्ज पाकिस्तान में कम इस्तेमाल होता है, लेकिन घी की जगह लफ्ज डालडा ज्यादा इस्तेमाल होता है।
इसी तरह से बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जो आप उसको उसके एक ऐसी कंपनी के नाम से वो प्रोडक्ट जानी जाती हैं जिस कंपनी का मेजरली इतना ब्रांड एक्सपीरियंस हाई होता है कि लोग उसको उस कैटेगरी को उस प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट की टाइप को उसी नाम से जाने लगते हैं। मिसाल के तौर पे लेटेस्ट आज के दौर में अगर आप देखें हम क्या टर्म यूज करते हैं कि अच्छा यार इसको सर्च कर लो, या हम ये कहते हैं कि यार अच्छा यार इसको गूगल करना जरा। आपने नोटिस किया कि इसको गूगल करना ये होती है फिजिकल एविडेंस, और ये सिर्फ उस जरूरत में क्रिएट हो पाती है कि जब आप ऐसा यूनिक और डिजायरेबल ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जो कि हर टच पॉइंट से आपको सेटिस्फाई करता है। इसकी ये एग्जाम्पल एक अच्छी निकली। फिर है प्रोसेसेस कि ब्रांड और कंज्यूमर के दरमियान जितना भी राबते का तरीका है, सेल का तरीका है, परचेज का तरीका है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है, वो सारे का सारा जो है वो कितना यूनिक और डिजायरेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अगेन आउटफिटर की एग्जाम्पल पे दोबारा आते हैं, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आउटफिटर का जो प्रोसेस है अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, उसके अंदर ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जिसकी वजह से इर्द गिर्द के इलाके के अंदर बीमारियां फैल रही हैं, तो क्या आप उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे? अल्टीमेटली कुछ लोग तो कन्विंस हो जाएंगे कि यार अच्छा यार प्रोडक्ट है अच्छी है तो मैं ले लेता हूँ, मेरा क्या लगे यार दुनिया से। लेकिन जो नौजवान नस्ल है खासतौर पर जो आप लोग हैं माशाल्लाह, यू हैव गॉट द ब्रेन एंड यू हैव गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू वुड लाइक एज पर अ रिसर्च 86% ऑफ यंग जनरेशन प्रेफर टू बाय फ्रॉम सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज। क्यों 86% ये करती है? बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि यार इस ब्रांड का प्रोसेस क्या है। इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, इसकी एग्जाम्पल आप ले लें H&M की, H&M था या जारा था, जिनकी बांग्लादेश के अंदर फैक्ट्रीज थी, और उन फैक्ट्रीज का जो हालत थी वो इतनी इनह्यूमन थी, जब वो पूरी दुनिया में उन फैक्ट्रीज की असल हालत सामने आई तो उनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का चंद महीनों के अंदर नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड के ऊपर तो वो बहुत अच्छा ब्रांड बना रहे थे, लोग बड़े खुश भी थे और एक डिजायरेबल भी था, लेकिन जो ही इन लोगों को ये पता चला कि यार इसका प्रोसेस अच्छा नहीं है, ये प्रोसेस इनह्यूमन है, या ये प्रोसेस मेरी आइडियोलॉजी से नहीं मिलता, तो ही लोगों ने रिएक्शन दिखाया। ये कॉमन टच पॉइंट्स हैं जिनका आपको ब्रांड बनाने में, ब्रांड बिल्डिंग में ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये एक्सपीरियंस जो है इसकी चार प्रॉपर्टीज हैं जो कि होना जरूरी है। नंबर वन, ये यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं होगा तो आपका ब्रांड क्यों खरीदेगा कोई? अगर आपका ब्रांड किसी और के ब्रांड से मिलता है, चाहे वो विजुअली मिलता है, चाहे उसकी प्रोडक्ट मिलती है, चाहे उसके फीचर्स मिलते हैं, तो चाहे कुछ भी मिलता है, आप लोगों ने अगर बिजनेस मॉडलिंग पढ़ी है या बिजनेस मॉडल की आपने एक्सरसाइज की है, तो उसके अंदर हम एक वर्ड यूज करते हैं यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। आपके ब्रांड की एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन होनी चाहिए। वो प्रोडक्ट की सूरत में हो सकती है, प्राइस में हो सकती है, प्लेसमेंट में हो सकती है, इन कॉम्पोनेंट्स में किसी में भी डिफरेंट यूनिकनेस हो सकती है जो कि दूसरे ब्रांड से, आपके कंपेटिटर से आपको मुख्तलिफ करे। ब्रांड होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि अगर आप लोगों में वो डिजायर क्रिएट करना चाहते हैं कि आपके ब्रांड खरीदें, तो उसके लिए यूनिकनेस जरूरी है। नंबर टू है कंसिस्टेंट, कि हर जगह पे आपकी वो यूनिकनेस दिखनी चाहिए, वो मार्केटिंग में भी दिखनी चाहिए, वो आपके स्टोर पे भी दिखनी चाहिए, आपके ऐप पे भी दिखनी चाहिए, आपके ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर भी दिखनी चाहिए, आपके लोगों में भी दिखनी चाहिए, लोगों के अगर जाएं हम उस पे उनके लोगों के लिंक्डइन पे जाएं तो उनके लिंक्डइन के अंदर भी वो ओम फैक्टर, वो वाव फैक्टर वो दिखना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी जो है, जब आप मुसलसल एक चीज को एक ही तरीके से देखते रहते हैं तो ह्यूमन साइकी है कि वो उसको ज्यादा हाई रेट करना शुरू कर देती है। आपने क्या कभी ऐसा देखा है कि आप मैकडोनल्ड पे गए हो और मैकडोनल्ड के ऊपर आपको लाल रंग की जगह जो है वो काले रंग की शर्टें पहनी हो सारे लोगों ने, या पीले रंग की शर्टें पहनी हो? तो ये दिस इज वन एग्जाम्पल एक यूनिकनेस की। नंबर टू एग्जाम्पल इज कि आप किसी भी दुनिया के मैकडोनल्ड पे चले जाएं तो आपको सारा का सारा कस्टमर एक्सपीरियंस सिमिलर मिलेगा। कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि आप उनको जो है एक सर्टन एक्टिविटी करें तो वो पाकिस्तान में डिफरेंट हो और स्विट्जरलैंड में डिफरेंट हो और यूएसए के डिफरेंट हो। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट होने से क्या फायदा होता है कि आप जल्दी स्केल कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन और आपका पैगाम हर जगह पे कस्टमर को एक ही तरह से फील हो रहा है। लेकिन अगर आप ये करें कि कामों की के अंदर डिफरेंट हो, कराची में डिफरेंट हो, लाहौर में डिफरेंट हो, हैदराबाद में डिफरेंट हो, तो फिर जो आप एडवर्टाइजिंग करेंगे, सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो किसके लिए करेंगे? आपकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, आपको अपना बिजनेस स्केल करने में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफिकल्टी आएगी। अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर इसकी मिसाल ले लें तो क्रीम एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, आप लोगों के साथ रिलेटेबल है। क्रीम का अगर आप एक्सपीरियंस लाहौर में कर लें, कराची में कर लें या इस्लामाबाद में कर लें, मैंने तीनों जगहों पर ट्राई किया है और इसी परस्पेक्टिव से किया है कि यार ये कितने कंसिस्टेंट है, मुझे सारी जगहों पर जो है अच्छी कंसिस्टेंसी मिली सवाए एक दो ओकेजन्स के। सो वो जो ओकेजन्स हैं वो ब्रांड उसको मैयर कर रहा था और उसको कंसिस्टेंट बनाने की कोशिश करता है। नंबर थर्ड इज डिज़ायरेबल। आपका ब्रांड अगर डिज़ायरेबल नहीं है, यानी कि अगर आपके ब्रांड के अंदर ऐसा कोई ओम फैक्टर नहीं है, ऐसी कोई उसके अंदर चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से जो है वो लोग उसको ख़रीदें, एक तो यूनिकनेस हो गई ना, यूनिक समझ लें कि एक प्रोडक्ट यूनिक है, लेकिन यूनिक होने के साथ साथ वो आपके मुताबिक नहीं है, आपके लिए डिज़ायर ही नहीं क्रिएट हो रही या आपकी उस प्रोडक्ट के लिए डिज़ायर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जितनी मर्जी अच्छी आप प्रोडक्ट बना लेंगे वो ख़रीदेगा कौन? ख़रीदेगा तो वही जिसके अंदर डिज़ायर एग्जिस्ट करती होगी। सो इसीलिए इसका जो चौथा पहलू है वो डिज़ायरेबिलिटी के साथ ही कनेक्टेड है, और वो है कि आपका हर प्रोडक्ट, आपकी पूरा ब्रांड जिसके अंदर मैंने डिफरेंट टच पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब किए, वो सारे के सारे ह्यूमन सेंटर्ड होने चाहिए, चाहे प्रोडक्ट हो, कंज्यूमर के अराउंड प्रोडक्ट बननी चाहिए, चाहे प्राइसिंग हो। अब मैं एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना लूँ और उसकी प्राइस बहुत हाई हो और मेरा कंज्यूमर वो बाय ना कर सके, तो मैं डिज़ायरेबिलिटी कैसे क्रिएट करूँगा? इसकी मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ, अगेन फैशन इंडस्ट्री से एग्जांपल लेते हैं। एक ब्रांड है लाइम लाइट के नाम से, फीमेल वेयर बनाता है, उन्होंने बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे डिज़ाइन और अच्छी प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ ये नहीं किया बाकी ब्रांड्स की तरह कि उन्होंने उसकी प्राइस इतनी हाई कर दी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक एलीट्स के लिए रह गए थे। उन्होंने अच्छे डिज़ाइन, अच्छी प्रोडक्ट को असेसिबल बना दिया मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए थ्रू प्राइसिंग। सो क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि ये एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है। डिज़ायरेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी अच्छे डिज़ाइन के लिए, किसको अच्छी प्रोडक्ट बुरी लगती है, सो उन्होंने ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच अपनाई और अपनी प्राइसिंग को ठीक कर दिया, और फिर हर चीज़ को आहिस्ता 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 अपनी प्लेसमेंट को, अपनी सारी चीज़ों को उन्होंने ह्यूमन सेंटर्ड करना शुरू कर दिया, तो ब्रांड फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड ऑफ पाकिस्तान बन गया। सो ये एक एग्जाम्पल है आपकी ब्रांड बिल्डिंग के अंदर ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच होने की, कि जो भी बनाएं, चाहे डिजिटल प्रोडक्ट बनाएं चाहे फिजिकल प्रोडक्ट बनाएं, उसका ह्यूमन सेंटर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो ह्यूमन सेंटर्ड होगी तो आपको ऑटोमेटिकली एक तैयार ऑडियंस मिलेगी, अगर ह्यूमन सेंटर्ड नहीं होगी तो फिर आपको तैयार ऑडियंस ही नहीं मिलेगी, फिर आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, लोगों को पुश करना पड़ेगा कि यार देखो मैंने ये प्रोडक्ट बनाई है, इसके ये फीचर हैं, इसके अंदर ये कमाल है, आपको अपना कमाल बताना पड़ेगा। लेकिन अगर ह्यूमन सेंटर्ड होगी तो डिज़ायर एग्जिस्ट करती होगी और आप उस डिज़ायर की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो प्रोडक्ट खुद से जल्दी से आपका ब्रांड बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तीन तरह के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने अपने नज़रिए के तहत, अपने एक्सपीरियंस के तहत जो है वो कंपाइल किए, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। मैंने इसके ऊपर जो है वो अगेन कोशिश ये की कि मैं ज़्यादातर किताबी थ्योरी के बजाय मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो बच्चों के साथ शेयर करूँ। तो तीन किस्म के ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसके अंदर एक एक्सपीरियंस की टाइप है फिजिकल एक्सपीरियंस, यानी कि टेंजिबल एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस जिसको आप टच कर सकते हैं, टच करके आप उसको फील कर सकते हैं। दूसरा एक्सपीरियंस है विजुअल एक्सपीरियंस, कि पूरा आपका ब्रांड दिखने में कैसा है, हीरो है या जीरो है। दूसरा इज विजुअल एक्सपीरियंस। तीसरा इज सेंसरी एक्सपीरियंस, नॉन टेंजिबल एक्सपीरियंस, कि ऐसा एक्सपीरियंस कि आप एक चीज़ लेना ही चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि आप क्यों लेना चाहते हैं, ब्रांड ने ऐसा ट्रिगर किया है कि आप उसके लिए मजबूर हैं। मिसाल के तौर पे एप्पल, आप एप्पल लेना चाहता, हर बच्चा जो है ना वो एप्पल ही लेना चाहता है, यानी कि मेजोरिटी, मुझे तो, मैं खुद एंड्रॉयड यूज़र हूँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो मुझे इस चीज़ पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, यार वो यू आर नॉट दैट कूल बिकॉज यू यूज़ एंड्रॉयड। तो टू बिकम कूल there is a sensory brand experience that has triggered in your minds कि यार ये ही ज़्यादा अच्छा है। सो ये तीनों experiences मिलके करते क्या हैं,
ये तीनों एक्सपीरियंसेस मिलके अनकॉन्शियस डिजायरेबिलिटी क्रिएट करते हैं जो आपको पता ही नहीं चलता। आप जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं ब्रांड के डिफरेंट टच पॉइंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और अनकॉन्शियसली आपके अंदर एक डिजायर क्रिएट हो रही है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है ब्रांड बिल्डिंग, यानी कि आप जितना मर्जी अच्छा बिजनेस डिजाइन कर ले, जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट बना ले, जो मर्जी कर रहे हैं, दुनिया का यानी कि तोप चला लें, जितना मर्जी पैसा लगा दें। बहुत सारे बिजनेसेस आपने ऐसा देखे होंगे जो बहुत पैसा लगा के आते हैं लेकिन थोड़े अरसे के बाद फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों? फ्लॉप होने की वाहिद वजह यही होती है कि वो अच्छा ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाते, वो फ्लॉप हो जाते हैं ब्रांड बिल्ड करने के अंदर। और ब्रांड बिल्डिंग क्या है, अगेन आपने अपने जहनों में प्लीज इसको रिवाइज करें। अभी ये इस नॉन इंटरेक्टिव सेशन है, मुझे थोड़ी सी इससे चिढ़ भी होती है क्योंकि बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन अपने अपने जहनों में जहन में लाएं कि ब्रांड एक्सपीरियंस है क्या। ब्रांड एक्सपीरियंस को हम एक दफा रिवाइज करके देखते हैं। ब्रांड बिल्डिंग इज डेवलपिंग अ यूनिक डिजायरेबल एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है कि मेरी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मेरा देखने में मैं कितना अच्छा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि यार मेरा इश्तेहार बहुत अच्छा है। ब्रांड इज द 360 एक्सपीरियंस, एक यूनिक डिजायरेबल एक्सपीरियंस का नाम ब्रांड है। तो वो जो फ्लॉप होते हैं वो फ्लॉप इसलिए होते हैं कि वो ब्रांड एक्सपीरियंस एक नहीं क्रिएट कर पाते जो कि इंटीग्रेटेड हो। फिजिकल एक्सपीरियंस की मिसाल देख लेते हैं। फिजिकल एक्सपीरियंस में प्रोडक्ट इज द किंग, ये काफ़ी हद तक एप्लीकेबल तो है लेकिन ये मेरी नज़र में एक बिल्कुल इनकम्प्लीट किस्म के मिथ है। हर बंदे से आप यही सुनते हैं कि यार प्रोडक्ट इज द किंग, प्रोडक्ट इज द किंग। आप गूगल करेंगे तो आपको मेजोरिटी जो है ना वो नारा यही मिलेगा कि यार प्रोडक्ट किंग है। ठीक है, प्रोडक्ट को हम ठीक है कोई 100 में से बाकियों के नस्बत को 15-20% मार्क्स ज़्यादा दे सकते हैं क्योंकि बुनियाद तो प्रोडक्ट ही है जो कस्टमर ने खरीदनी है, लेकिन प्रोडक्ट अकेली किंग नहीं है। आप मिसाल ले लें, जैसे मैंने आपको बताया कि यार बहुत सारे लोग फ्लॉप हो जाते हैं। वो फ्लॉप क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी प्रोडक्ट अच्छी होती है, पूरा फोकस उन्होंने इस आइडियोलॉजी पे किया होता है कि यार प्रोडक्ट इज द किंग। वो प्रोडक्ट को किंग बना लेते हैं लेकिन उसके बाद उसकी राइट प्राइसिंग नहीं कर पाते। राइट प्राइसिंग कर लेंगे तो उसकी जो उसका जो सेल चैनल्स हैं उनको सही तरीके से बिल्ड नहीं कर पाते, उसका वो एक्सपीरियंस बुरा हो जाता है। फिर अगर वो अच्छी उन्होंने सेल चैनल दे भी दिया है, प्राइसिंग भी ठीक कर दी है, बहुत सारे लोगों के अंदर प्री और पोस्ट कस्टमर सपोर्ट लैक करती है बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर, को बहुत सारे लोग जो हैं वो सारा कुछ करके अपने गलत प्रोसेसेस की वजह से जो है बिल्कुल डिप कर जाते हैं। और इसी तरह से फिर बहुत सारे ब्रांड्स की जो सी लेवल या एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या जो ऑनर्स होते हैं उनके पास बहुत आइडियाज़ होते हैं और बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, कि जो ब्रांड ऑनर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बिजनेस के लोग हैं वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको राइट पीपल नहीं मिलते और वो उनको वो वर्कफोर्स नहीं मिलती जिस जिसके थ्रू जो है वो एक ऐसा डिजायरेबल और यूनिक ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकें कि हमारी कंपनियाँ भी मैकडोनल्ड बन सकें, हमारी कंपनियां भी रोलेक्स वॉच की तरह 200-250 साल की हिस्ट्री रखती हों। तो कभी आपने नोटिस किया है कि जो सारे ब्रांड्स आप कोक, पेप्सी, मैकडोनल्ड और जितने भी हम देखते हैं इनकी कितनी लंबी हिस्ट्री है, 50-50 साल, 100-100 साल, और यूरोप के तो कई ब्रांड्स हैं जिनकी 200 साल से भी ज़्यादा की हिस्ट्री है। तो वजह क्या है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं है ऐसा? हमारे यहाँ इसलिए नहीं है कि वो ब्रांड एक्सपीरियंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ब्रांड एक्सपीरियंस एग्जिस्ट नहीं करता या डेवलप नहीं कर पाते। अगर सी लेवल लोगों का विजन है भी कि यार हम ये करना चाहते हैं, हम भी रोलेक्स बनना चाहते हैं, हम भी H&M बनना चाहते हैं, ज़ारा बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो राइट पीपल, वो टीम नहीं बिल्ड कर पाते। अच्छा, उसके अंदर कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? उसके अंदर कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि वो राइट लोगों को इकट्ठा तो कर लें, मोटिवेटेड लोगों को इकट्ठा कर लें, लेकिन उनको ट्रेन ही नहीं करते कि यार मेरा विजन क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, दुनिया में क्या हो रहा है। सो बहुत सारी पाकिस्तानी कंपनीज के अंदर एक बड़ा डाउनफॉल ये है कि वो अपने लोगों के ऊपर, ट्रेनिंग्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। हालांकि वो ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करें तो वो सारे ये एक मिल के, सारे लोग, पूरी कंपनी मिल के, एक एक बंदा मिल के, एक चौकीदार से ले के चेयरमैन तक, सारे मिल के एक ऐसा यूनिक डिजायरेबल ब्रांडिंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं जो कि उनको भी 200 साल की जिंदगी दे दे। विजुअल एक्सपीरियंस क्या है? विजुअल एक्सपीरियंस के अंदर आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन आ जाता है, आपकी विजुअल कम्युनिकेशन आ जाती है कि आपके
आपके एड्स कैसे हैं, आपकी फेसबुक की पोस्ट कैसे हैं, कि बिलबोर्ड्स कैसे हैं, सारे के सारी जितनी भी चीजें विजुअल से रिलेटेड हैं, आपकी फोटोग्राफी कैसी है, आपकी वीडियोग्राफी कैसी है, वो सारे का सारा ब्रांड के एस्थेटिक्स, ब्रांड के डीएनए और ब्रांड के एक्सपीरियंस के साथ इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है हमारे, हमने 16 साल में ये एक्सपीरियंस किया है कि लोग अच्छी प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन बहुत वीक होती है, प्रोडक्ट गंदी सी होती है और इस चीज़ के ऊपर फोकस होते हैं कि यार हम विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ना इसको बेच लेंगे। तो हाँ, वो बेच तो लेते हैं, एक दो कैंपेन्स लॉन्च होती हैं या इवन के कुछ अरसा जो है वो गुजार लेते हैं अच्छे अच्छे इश्तेहार बना के, अच्छा अच्छा एड बना के, और कस्टमर बेवकूफ़ बन के खरीद भी लेता है, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद वो कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाते। वो मसलसल इसी जिद्दोजहद में रहते हैं कि यार हमें नया कस्टमर चाहिए, नया कस्टमर चाहिए। वो रिटेन करने के ऊपर उनका फोकस नहीं होता। फिर विजुअल एक्सपीरियंस के अंदर आपकी एडवर्टाइजिंग आ जाती है, आपकी मार्केटिंग आ जाती है, आपकी विजुअल मर्चेंडाइजिंग आ जाती है कि आपकी एक ऐप है तो आपने चीज़ों की प्लेसमेंट किन प्रायोरिटीज से की हुई है, यूज़र की आंख कहाँ जाएगी, फिर वो पहली चीज़ क्या उसको देखनी चाहिए, दूसरी क्या देखनी चाहिए, तीसरी क्या देखनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड विजुअल मर्चेंडाइजिंग। इसकी इसको अगर आपने थोड़ा सा समझना है सो आप समझ लें कि जब आप किसी भी स्टोर के अंदर जाते हैं, चाहे वो जनरल स्टोर हो चाहे कोई फैशन स्टोर हो, जब आप स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स की सर्टन टाइप ऑफ प्लेसमेंट की जाती है। एक खास तरीके से रैक्स रखे होते हैं, एक खास तरीके से पोस्टर्स लगे होते हैं कि आप अंदर जाएं तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, फिर दूसरा आप किस रैक के पास जाएं, फिर घूम के आए तो पानी की बोतल कहाँ से मिलेगी, और जब आप निकलते रहें, निकलते निकलते भी आप जो है वो काउंटर के ऊपर कुछ टॉफियां और चॉकलेट्स खरीद लें। इस सारी साइंस को विजुअल मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। ये विजुअल एक्सपीरियंस का हिस्सा है। फिर पैकेजिंग आपकी, कि आपका पैकेज क्या है, चाहे डिजिटल प्रोडक्ट हो चाहे आपके फिजिकल प्रोडक्ट हो, किस तरह से आपको उसको खूबसूरती से और कैसी डिजायरेबिलिटी आप उसकी पैकेजिंग के अंदर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ये सारे का सारा आपका विजुअल एक्सपीरियंस का हिस्सा है। फिर विजुअल एक्सपीरियंस का फायदा क्या है, विजुअल एक्सपीरियंस ट्रस्ट बिल्ड करता है। एक अच्छा गुड लुकिंग ब्रांड देखते साथ ही आप कहते हैं हाँ यार ये असली है, ऑनलाइन ही देख लें। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनको ये एक्सपीरियंस होगा कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट के ऊपर ना प्रोडक्ट्स भी अच्छी होती हैं। मेरे साथ तो कई दफ़ा ये हुआ है, अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, मैं चाहता हूँ कि यार ये मैं प्रोडक्ट खरीद लूँ, तो लेकिन जब मैं वेबसाइट पर जाता हूँ उनका इश्तेहार देख के मैं क्लिक करता हूँ वेबसाइट पे जाता हूँ, तो वो वेबसाइट इतनी गंदी होती है, वो नकली लग रही होती है। बिल्कुल मुझे लगता है कि यार ये मैंने अगर क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अपना एंटर किया तो ये मेरे जो है ना क्रेडिट कार्ड हैक हो जाएगा, तो मैं कभी भी नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि वो एक बैड लुकिंग वेबसाइट होती है, जो मेरे लिए बैड लुकिंग नहीं है, मैं तो आर्टिस्ट हूँ तो मुझे पता है कि यार गुड लुक क्या है बैड लुक क्या है, लेकिन यही चीज़ यही साइंस एक आम बंदे के ऊपर भी उतनी ही अप्लाई होती है। सो दूसरा ब्रांड क्या करती है कि आपके प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती है। आपकी 100 रुपए की चीज उसके अंदर जब आप वैल्यू एडिशन करते हैं ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट करके, तो आप उसको 200 रुपए का भी बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन सेंटर्ड हो गया है, वो गुड लुकिंग हो गया है, वो डिजायरेबल हो गया है, वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, मैं उसको मेरे लिए राइट प्राइस है। तो एक डिजायरेबल प्रोडक्ट, एक यूनिक डिजायरेबल ब्रांड एक्सपीरियंस सबसे अच्छा काम ये करता है कि आपके लिए वो वैल्यू ऐड कर देता है आपके प्रोडक्ट के अंदर। सो तीसरी बड़ी चीज है ब्रांड की रिकॉल वैल्यू। जब ब्रांड कंसिस्टेंट होता है, डिजायरेबल होता है और आपको हर जगह पे हर टच पॉइंट के ऊपर एक ही जैसा दिखता है, तो उसकी रिकॉल बढ़ जाती है। आप आज खास तरह का लिखा हुआ एम कहीं पे देखेंगे तो आपका दिमाग, आपको ये सोचने की जरूरत या ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि यार ये मैकडोनल्ड है। उस एम को देखते साथ ही आपका दिमाग ये ट्रिगर करता है कि ये मैकडोनल्ड यहाँ पे है। सो दिस इज कॉल्ड रिकॉल वैल्यू। वैल्यू एडिशन और विजुअल एक्सपीरियंस के हवाले से ये मैंने अपने एक क्लाइंट की एग्जांपल लगाई है, विला कॉटन, जिसका मैंने आपको पहले भी एक स्लाइड में काम दिखाया। तो ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं पैकेजेस, ये इनकी इनिशियल प्रोडक्ट थी। ये जब हमारे पास आए तो ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करके यहाँ से किसी एक्सपोर्टर से और उसको इस तरह से पैक करके अमेरिका में वॉलमार्ट पे बेचना चाह रहे थे, और वॉलमार्ट पे इनकी प्राइस थी $60 $80 के करीब। फिर जब हमने सारा ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट किया, सारे ब्रांड एक्सपीरियंस में जितने टच पॉइंट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया, फिजिकल एक्सपीरियंस क्रिएट किया, विजुअल एक्सपीरियंस क्रिएट किया, सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट किया, तो ये आप राइट हैंड वाली
सारे के सारे इनकी फाइनल प्रेजेंटेशन देख सकते हैं आफ्टर द ब्रांड बिल्डिंग एक्सपीरियंस। सो जब ये ब्रांड बिल्डिंग एक्सपीरियंस क्रिएट हो गया तो अब ये villacotton.com पे $160 से $260 की प्राइस में ये सेल के ऊपर बेच रहे हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट जो कि असल प्राइस उन्होंने $60 रखी थी और उसमें भी उनको मुनाफा था, अब वो रिटेल के अंदर डायरेक्ट टू कंज्यूमर अपने ई कॉमर्स के थ्रू US के अंदर $160 से $260 की वो बेच रहे हैं और असल प्राइस इसके $320 है। तो जस्ट इमेजिन कि राइट ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट करके उस प्रोडक्ट के अंदर कितनी वैल्यू क्रिएट हो गई। जो फिजिकल प्रोडक्ट है उसका डिजाइन और फिजिकल प्रोडक्ट वो सारे का सारा वही है जो आप उल्टे हाथ वाले लेफ्ट हैंड वाले पैकेज के अंदर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप राइट हैंड वाले में देखें सिर्फ उसकी पूरे के पूरी प्रेजेंटेशन बदल गई है। उसका विजुअल तो बदला ही बदला है लेकिन उसके बैक एंड के ऊपर उसका फिजिकल एक्सपीरियंस भी हमने बदल दिया, उसका सेंसरी एक्सपीरियंस भी हमने उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वो लोगों के लिए अट्रैक्टिव हो गई और वो उसके लिए इतनी पैसे देने के लिए तैयार है। बिल्कुल एप्पल की तरह कि जैसे एप्पल आप ज्यादा महंगा खरीद लेते हैं और एंड्रॉयड में क्या काम है, सारा कुछ वही है, बल्कि एंड्रॉयड में तो एप्स भी ज्यादा है। मैं एंड्रॉयड यूजर हूं तो थोड़ा सा मैंने कहा उसकी मार्केटिंग कर देता हूं। तो एंड्रॉयड में सारा कुछ है लेकिन एप्पल में क्या है, एप्पल में ये एडेड वैल्यू है ब्रांड बिल्डिंग के थ्रू जो कि आपके अंदर डिजायर क्रिएट कर चुकी है। इसी तरह से हमने एक, मैं हमेशा ये वाली स्लाइड सबसे जरूर शेयर करता हूँ, हमने ये एक सर्वे किया और हर हर फिजिकल सेशन के अंदर भी मैं ये सर्वे करता हूँ और ये हमेशा ही बिल्कुल सही साबित होता है। ये एक ईमेल इनवॉइस है जो कि एप्पल की तरफ से आती है जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, या फॉर एग्जांपल ये मेरी आती है एप्पल की तरफ से नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन की। तो इसमें एक लेफ्ट साइड वाली यानी कि ए ऑप्शन है और एक है बी ऑप्शन, दोनों में कोई फर्क नहीं है, फंक्शनलिटी एक ही है, उसका मकसद भी एक ही है कि मेरे पास एक इनवॉइस आ जाए, मेरे पास एक रिकॉर्ड आ जाए, सिर्फ और सिर्फ दोनों के अंदर डिजाइन का थोड़ा सा फर्क है। तो व्हेन आस्क्ड टू पीपल 99% लोग यही कहते हैं कि यार बी वाली साइड जो है यानी कि बी ऑप्शन जो है राइट हैंड साइड वाली ये ओरिजिनल इनवॉइस है और ये जो ए वाली साइड है ये कोई फेक जंक ईमेल है। ये ऐसा क्यों कहते हैं वो, कभी आपने सोचा कि आपके ईमेल में कुछ खास मखसूस ईमेल्स आती हैं और वो जो ही आती हैं आप उसको मूव टू जंक कर देते हैं या वो ऑटोमेटिकली भी जंक में चली जाती हैं? इंटरेस्टिंग बात ये है, सो आप जो देख के जंक में भेज देते हैं या आप ईमेल ओपन ही नहीं करते, आपको ये कैसे पता चलता है कि यार ये असली है ये फेक है? ये इसलिए पता चल जाता है कि उसके एस्थेटिक्स उसका नकलीपन साबित कर रहे होते हैं। इन दोनों इनवॉइसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक्स का फर्क है। ऑप्शन बी जो है वो एप्पल के ओरिजिनल ब्रांड एक्सपीरियंस जो कि हर टच पॉइंट पे आपको नजर आएगा, आपको उन्हीं एस्थेटिक्स के मुताबिक उनकी ईमेल इनवॉइस भी नजर आएगी। तो एस्थेटिक्स ने क्या काम किया, उन्होंने उसका रियल होना उसका बिलीव बिल्ड कर दिया उस प्रोडक्ट का। हालांकि ए वाली साइड के ऊपर, क्या आपने कभी एप्पल के डब्बे में या अपने मोबाइल जब खरीदते हैं या लैपटॉप खरीदते हैं कोई भी चीज़ एप्पल की खरीदते हैं, कभी आपने लाल रंग का ये डब्बा, कभी ये पीले रंग का डब्बा आपने कभी भी नहीं देखा होगा? क्योंकि ये एप्पल एस्थेटिक्स नहीं है, ये एप्पल की आइडेंटिटी नहीं है, एप्पल का लोगो का इतना बड़ा साइज नहीं आपने देखा होगा। सो कलेक्टिवली ये सारी चारी चीज़ें मिलकर ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट करती हैं। सो सेंसरी एक्सपीरियंस क्या, सेंसरी एक्सपीरियंस के कई पहलू हैं कि किस तरह से आपकी सेंसेस को जो है वो ब्रांड एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस करता है या आप अपने ब्रांड्स को सेंसरी एक्सपीरियंस सेंसरी मार्केटिंग के थ्रू किस तरह से अपने कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसके नंबर वन चीज़ ये है 360 मार्केटिंग, हर जगह पे दिखना, टीवी पे दिखना, रेडियो पे दिखना, डिजिटल पे दिखना, एप्स के अंदर दिखना, आप कोई भी चीज़ किसी जगह पे भी जा रहे हैं आपको वो ब्रांड जो है ना किसी तरह से विजिबल है, या उसके स्टोर ज्यादा हैं, आपको किसी आप अपने दोस्तों से सुन रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड 360 मार्केटिंग कि हर तरह से कस्टमर को घेर के मारना। अगर हम इसको थोड़ा सा फन परस्पेक्टिव में देख लें, काम तो हमने भी यही करना है, आपने भी जब अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जब आपने अपनी प्रोडक्ट बिल्ड करनी है तो प्रोडक्ट को कस्टमर को कैसे आपने विजिबल होना है, दैट इज कॉल्ड 360 मार्केटिंग। नंबर टू है कि जितनी पांचों सेंसेस हैं हमारी
जो ह्यूमन सेंसेस हैं साइंटिफिकली, देखने की, सूंघने की, फिर सुनने की, और जितनी टोटल 5 सेंसरीज हैं, उन सारों के लिए उनको ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि वो सारे के सारे एक ही ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करें, मिसाल के तौर पे, और इंटीग्रेटेड हो आपस में. फॉर एग्जाम्पल, इश्तिहार मैंने देखा, मेरी विजुअल सेंस है. स्टोर के अंदर मैं गया, वहां पे म्यूजिक बज रहा है, मेरी कान की सेंस है. वहां पे सर्टन टाइप ऑफ खुशबू आ रही है, मेरी सूंघने की सेंस है. सो पांचों सेंसेस को यूज करके ब्रांड अपना सिग्नेचर डेवलप कर लेता. सर्टन स्टोर में आप जाएंगे, आप आउटफिटर के स्टोर में जाएंगे, आपको डिफरेंट म्यूजिक, डिफरेंट खुशबू मिलेगी. आप किसी और के स्टोर में जाएंगे, आपको डिफरेंट खुशबू मिलेगी. तो वो जो आउटफिटर के स्टोर पे आपको खुशबू मिल रही है, वो सोचें कि अगर आपको घर में कभी मिल जाए, तो अनकॉन्शियसली आपको फॉरेन आउटफिटर का ख्याल आएगा. दिस इज कॉल्ड सेंसरी एक्सपीरियंस. इसी तरह से मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ कि बर्लिन में, जर्मनी में, इन्होंने ये स्टारबक्स ने अपनी एक कैंपेन की, और जितनी उनकी मेट्रो ट्रेन्स होती हैं उनके अंदर सब ना उनके एड्स चल रहे थे. तो उनका एड, कॉफी का एड चलने के साथ साथ उन्होंने स्पेशल वो जो परफ्यूमर्स होते हैं, मशीन्स जो होती हैं, उन्होंने वो भी इंस्टॉल कर दी, और ट्रेन के अंदर जो है वो कॉफी की खुशबू आ रही थी. तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि ऐसी एक डिजायर क्रिएट हुई कि जिस भी स्टेशन पे मुसाफिर उतरते थे, लोग उतरते थे वहां पे, क्योंकि कॉमन है स्टारबक्स के पॉपअप शॉप्स, तो वो सीधा उनका दिल करना शुरू हो चुका था और वो सीधा स्टारबक्स की शॉप पे जाके कॉफी ग्रैब करते थे. तो ये इतनी पावरफुल एक्सपीरियंस है सेंसरी. नंबर थर्ड इज कि ऐसा कंटेंट बनाएं कि जिसके थ्रू आपके ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड हो. मिसाल के तौर पे आप अपने प्रोसेसेस दिखाएं. अगर आप प्रोसेस दिखाएंगे तो कस्टमर को बिलीव होगा कि यार ये एक रिस्पॉन्सिबल ब्रांड है, यार वेरी नाइस. वो तारीफ नहीं करेगा, ना ही आप ईमेल करेंगे, ना ही आप हमेशा ब्रांड के इश्तिहार के ऊपर कमेंट करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके सेंसेस ये कहते हैं, आपकी छठी हिस, सिक्स सेंस भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है कि आप सिक्स सेंस को हिट कर रहे हैं कि हाँ ये अच्छा ब्रांड है. आप उनके पीपल देखते हैं, आप उनके एचआर पोर्टल देखते हैं. अब एचआर पोर्टल के साथ कंज्यूमर का तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो एचआर की प्रमोशन कर रहे होते हैं. आपने देखा होगा अक्सर मोबिलिंक जैसे कंपनीज जो हैं वो आपकी एचआर की भी प्रमोशन करती हैं कि अरे हमारी ये टीम है, हम ऐसे हैं, हमारी ये वैल्यूज हैं. क्यों? क्योंकि वो सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे होते हैं कंज्यूमर के अंदर भी. चौथी चीज है कस्टमर के गेन पॉइंट्स और डिजायर को हिट करें. कस्टमर का पेन पॉइंट जो है वो आपकी प्रोडक्ट अगर रिजॉल्व कर रही है या कोई सर्टन गेन पॉइंट पे हिट कर रही है, तो अपने ब्रांड एक्सपीरियंस के अंदर उसकी डिजायर को हिट करें कि उसको गेन क्या होगा. एक तो होता है ना कि मेरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गई है, जो टेंजेबल प्रॉब्लम है, यार मैंने यहाँ से अपने घर से ऑफिस जाना है तो मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो क्रीम ने मेरी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी है कि मैं अब इजीली घर से वहां जा सकता हूँ. लेकिन गेन पॉइंट क्या है? गेन पॉइंट ये है कि अब मुझे ख्वार नहीं होना पड़ रहा, अब मेरी इज्जत है, मेरा मैं रिस्पेक्टफुली एक अच्छी गाड़ी के अंदर बैठ के, जो कि मुझे घर से रिसीव करती है और मैं घर से ऑफिस चले जाता हूँ. कन्वेंशनल टैक्सी के अंदर क्या था कि मुझे पहले टैक्सी लेने के लिए खुद एक स्टॉप के ऊपर जाना पड़ता था, या मैं कॉल करता था, वो टैक्सी वाले से रेट करना पड़ता था, वो एक बहस होती थी, मेरी अपनी जो ईगो है वो उसके अंदर हर्ट होती थी. इसी तरह से अगर मैं पीपल परस्पेक्टिव से देखूं, तो टैक्सी ड्राइवर जब जब कस्टमर के हाथों जलील होता है गलत बयानी करने की वजह से, तो वो उसकी अपनी ईगो तो हर्ट होती है, चाहे वो अच्छा कर रहा हो बुरा कर रहा हो. लेकिन क्रीम ने क्या किया? क्रीम ने वो सारे का सारा गेन पॉइंट को एड्रेस किया कि ड्राइवर को भी रिस्पेक्ट फील हो और कस्टमर को भी रिस्पेक्ट फील हो. सो दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड सेंसरी एक्सपीरियंस. फिर ब्रांड बिल्डिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ परसेप्शन. ये सारा हम कर क्यों रहे हैं? ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट क्यों करना जरूरी है? ये क्रिएट इसलिए करना जरूरी है कि आप ब्रांड का एक सर्टन टाइप ऑफ परसेप्शन बिल्ड करेंगे. जब वो परसेप्शन बिल्ड होगा तो डिजायर क्रिएट होगी. डिजायर क्रिएट होगी तो ब्रांड आगे बढ़ेगा. ब्रांड की याद, ब्रांड की मेमोरी, ब्रांड की रिकॉल, ब्रांड की प्रोडक्ट के साथ एफिलिएशन, सब कुछ इंक्रीज होगा. सो इट इज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस दैट कैन डेवलप अ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन टू द प्रोडक्ट और सर्विस, इंक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर एंड एटीट्यूड. कंज्यूमर बिहेवियर और एटीट्यूड क्या है? कि मेरी जेब में 10 रुपए पड़े हुए हैं और मैं 10 रुपए की चीज खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं 20 रुपए इकट्ठे करके जो है वो वाला ब्रांड खरीदना चाहता हूँ जिसकी मेरे अंदर डिजायर है. तो कैसे मेरा रैशनल बिहेवियर
ब्रांड बिल्डिंग के थ्रू बदल गया इनटू हाइपर शॉपिंग बिहेवियर। सो दिस इज कॉल्ड कि किस तरह से ब्रांड बिल्डिंग को, ब्रांड बिल्डिंग के सारे एसेंशियल्स फॉलो करके हम ऐसा ब्रांड क्रिएट करते हैं जो कि कंज्यूमर के एटीट्यूड को भी बदल दे और उसके बिहेवियर को भी बदल दे, और ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो जिसके थ्रू वो कनेक्शन जो है, जो हमारा कस्टमर के साथ बिल्ड हुआ है, वो उसको याद रखे, अपने फ्रेंड्स के अंदर भी बताए और आपकी मुफ्त की मार्केटिंग करना शुरू हो जाए। सो द बिगेस्ट एडवांटेज मैंने पहले ही बताया है कि इसके थ्रू हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज इट, और थैंक यू वेरी मच हसन साहब एंड होल आइडियाज टीम वंस अगेन, एंड थैंक यू टू द स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी फॉर दिस मच। For more advanced trainings, you can subscribe to our website propel.pk. अभी लॉन्च नहीं हुई, बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, लेकिन आप अपना हमारा जो होम पेज है वो विजिट करें और उस पे ईमेल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो ही हमारी वेबसाइट और ये क्या ऑफर कर रही है, ये कैसे आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगी अनलाइक कन्वेंशनल एजुकेशन, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ईमेल के थ्रू अपडेट आ सके।